Hello students, I am Devinder, your computer teacher. Today we will discuss chapter 4, tables in MS Word. In this chapter we will discuss add and delete a table, table को कैसे add करते हैं, कैसे insert करते हैं और कैसे delete करते हैं. Second topic होगा आपका enter डाटा इन टेबल, टेबल के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं, ठीक है. एंड थर्ड टॉपिक होगा आपका मॉडिफाई ए टेबल, टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. फर्स्ट टेबल क्या होती है हमारी. एमएस वर्ड हैज़ द फीचर ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता कौन, एमएस वर्ड. दिस इज़ ए यूजफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा. ये एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव और एक पर्टिकुलर ऑर्डर से हम इसमें टेबल्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टेबल्स कंपोनेंट, टेबल्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. टेबल्स मूव हैंडल, जो हमारा आपको फोर एरो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारा मूव हैंडल होता है. टेबल को आगे पीछे मूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. जो हमारा वर्टिकल होता है टॉप टू डाउन, वो हम उसको हम बोलते हैं कॉलम. क्या बोलते हैं उसको, कॉलम. एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रो. और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बन रहा है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल. इंसर्टिंग टेबल, अब हम टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे. फर्स्टली देखो, इंसर्टिंग ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. वर्ड प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ वेज टू इंसर्ट ए टेबल, यानी टेबल को करने के लिए ये अलग अलग मेथड प्रोवाइड करता है, हमें अलग अलग वे प्रोवाइड करवाता है एम एस वर्ड. थ्री टाइप से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट आपका इंसर्ट मेथड है, सेकेंड आपका ट्रेस मेथड है, थर्ड आपका ड्रॉ मेथड है. ड्रो ऑप्शन के द्वारा भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. यूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन यू कैन ऐड ए टेबल डैट हैज़ अप टू 63 कॉलम. इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा हम जब टेबल को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, 63 कॉलम्स. यूजिंग द ट्रेस मेथड ए टेबल विद अप ऑफ 8 रोज एंड 10 कॉलम कैन बी एडिड. और ट्रेस मेथड के द्वारा हम 8 रोज एंड 10 कॉलम ऐड कर सकते हैं एक टेबल के अंदर. ट्रेस मेथड, फर्स्टली हम ट्रेस मेथड लेते हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल, हमें माउस के पॉइंटर को वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें टेबल को इंसर्ट करना है. आफ्टर दैट क्लिक द इंसर्ट टैब, जो हमारी फाइल टैब, होम टैब होती है उसे. थर्ड हमारी कौन सी टैब होती है, हमारी इंसर्ट टैब होती है, ठीक है. इंसर्ट टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल्स आइकन, और हम टेबल्स ग्रुप में जाकर, ठीक है, और टेबल्स आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे. ये टेबल मेन्यू अपीयर हो जाएगा हमारे पास, टेबल मेन्यू आ जाएगा हमारा. फर्स्ट जो दिखा रखा है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, उसके बाद ड्रो टेबल, ठीक है. टेबल मेन्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, मूव द कर्सर पॉइंटर ऑन द ग्रिड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. हमारे माउस के पॉइंटर को हम मूव करवाएंगे, जितनी दूर तक हम मूव करवाएंगे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा और उतनी ही टेबल बन जाएगी. क्लिक ऑन द लास्ट स्क्वायर डैट यू हैव सेलेक्टेड, हम लास्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जितने हमें रो और कॉलम का कम्बिनेशन चाहिए, जितनी टेबल्स हमें चाहिए, ठीक है. आफ्टर दैट दी टेबल्स अपीयर, और हमारी टेबल्स क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी. इसके अंदर अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 हमारे कॉलम हैं. और रो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, हमारी 5 रो हैं. और यहाँ पे शो भी हो गया हमारा कि 6 एंड 5 रो एंड कॉलम. सेकेंड मेथड आपका, फर्स्ट था आपका ट्रेस मेथड, सेकेंड आपका मेथड है इंसर्ट मेथड.
टेबल को इंसर्ट मेथड के थ्रू कैसे इंसर्ट करेंगे? अल्टरनेटिवली यू कैन सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन इन द इंसर्ट टेबल मेनू। इंसर्ट टेबल मेनू के द्वारा हम करेंगे, ठीक है, इंसर्ट टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे, इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। नंबर ऑफ रोज यानी हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, ठीक है, उतने हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे इस टेबल में मैंने इंसर्ट कर रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स 5, नंबर ऑफ रोज 2, ठीक है, कॉलम्स 5 हैं एंड रो 2 है, और ओके कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगी टेबल। सिलेक्शन मेथड, सेलेक्ट कैसे करते हैं, फॉर सेलेक्टिंग ए सेल रो और कॉलम, किसी सेल को या रो को या कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सेल क्या होता है, मूव द कर्सर टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। सेल के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हम क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे, क्लिक ऑन द सेल व्हेन ए स्मॉल ब्लैक एरो अपीयर। जैसे ही हम लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर में लेफ्ट कॉर्नर में ले जाएंगे तो उसका एरो चेंज हो जाएगा, स्मॉल ब्लैक एरो हो जाएगी, और हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और हमारी सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट रो, रो को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मूव द कर्सर आउटसाइड द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड नियर द रो टू बी सेलेक्टेड। हमारे कर्सर को टेबल के आउटसाइड जो रो है उस साइड, लेफ्ट साइड ले जाएंगे नियर द रो के पास में, ठीक है, जो भी रो हमें सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद ए वाइट एरो अपीयर, और जो हमारी जो एरो है, जो माउस का पॉइंटर है, कर्सर है, वो चेंज हो जाएगा वाइट एरो में। क्लिक टू दिस सेलेक्ट द एंटायर रो, और हम उस पर क्लिक कर देंगे। टू सेलेक्ट मल्टीपल रो क्लिक एंड ड्रैग, और एक से ज़्यादा अगर हमें रो सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो हमारी मल्टीपल रो हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम्स को, कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, मूव द कर्सर टू द टॉप नियर ऑफ द बॉर्डर। हमारा माउस का जो पॉइंटर है उसको टॉप में ले जाते हैं और उस कॉलम के पास ले जाते हैं जिसको हमें सेलेक्ट करना है। क्लिक व्हेन ए स्मॉल ब्लैक एरो अपीयर, और जैसे ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, द एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड, और हम उस पर क्लिक कर देंगे, ओके करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम वो है सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम क्लिक एंड ड्रैग, और हम उसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो जितने कॉलम्स के ऊपर ड्रैग करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट डिलीटिंग ए टेबल, अभी हमने टेबल इंसर्ट किया है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया है, अभी हम बात करेंगे कि टेबल्स को अगर मान लो हमारी गलती से टेबल को डिलीट करना है या कुछ डाटा ऐसा डल गया जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे डिलीट, इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट ए टेबल एज वेल एज डाटा एंटर्ड इन इट, यानी डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं और उसे टेबल्स को भी डिलीट कर सकते हैं एज इट। देर आर मल्टीपल मेथड ऑफ डिलीटिंग ए टेबल, टेबल को डिलीट करने के काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास। प्लेस द कर्सर ऑन एनी ऑफ द सेल, सेल कहीं भी सेल के ऊपर हम माउस के पॉइंटर या कर्सर को ले जाएंगे, ठीक है। ऑन द टेबल टूल कॉन्टेक्चुअल टेबल अपीयर्स ऑन द रिबन, और टेबल टूल्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्लिक द लेआउट टैब, और उसमें हम किस पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप क्लिक द डिलीट ऑप्शन, रो एंड कॉलम ग्रुप में जाकर हम डिलीट ऑप्शन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, द डिलीट मेनू अपीयर्स, और हमारा डिलीट मेनू अपीयर हो जाएगा, डिलीट सेल का, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल। यहाँ हम सेल, सिर्फ एक सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम जितना भी हमारा है, एक कॉलम को सेलेक्ट कर रखा तो उसको डिलीट कर सकते हैं, उस रो को डिलीट कर सकते हैं, और पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। क्लिक द डिलीट टेबल ऑप्शन, और डिलीट टेबल ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो पूरी टेबल जो हमारी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, द एंटायर टेबल इज डिलीटेड। एंटरिंग दैट, अब हम टेबल के अंदर डाटा एंटर कैसे करते हैं। MS Word allow you to enter data in the cell
इन द फॉर्म ऑफ वर्ड नंबर एंड पिक्चर। एमएस वर्ड के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर हम किसी भी फॉर्म में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ लेटर्स नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। टू एंटर अल्फा न्यूमेरिक डाटा इन ए सेल, हम डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा एंटर करते हैं सेल के अंदर। प्लेस द कर्सर इनसाइड द सेल इन विच यू वांट टू एंटर डाटा, आपको माउस का कर्सर क्लिक करना पड़ेगा, जिस भी सेल में आपको डाटा एंटर करना है वहाँ पे आप क्या करोगे, माउस के पॉइंटर को क्लिक करोगे। टाइप द डाटा और उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा टाइप करेंगे, जैसे नेम, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, थ्री, ठीक है, जर्नी, तो डाटा में जो भी है वो टाइप करेंगे। यूज़ कीबोर्ड एरो की टू मूव द एडजेसेंट सेल, यानी एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के एरो की होती है हमारी फोर, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, टॉप एरो की और डाउन एरो की, तो वो की यूज करेंगे हम एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। ऐड पिक्चर टू ए सेल, अब हम कोई पिक्चर ऐड करके देखते हैं सेल के अंदर कैसे करेंगे। प्लेस द कर्सर इनसाइड द सेल इन विच यू वांट टू ऐड ए पिक्चर, जिस भी सेल में आपको पिक्चर ऐड करनी है उसके अंदर हम उस सेल के अंदर हमारा माउस का पॉइंटर क्लिक करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। द रिबन चेंजेस और रिबन हमारा चेंज हो जाएगा इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद। फ्रॉम द इलुस्ट्रेशन ग्रुप, इलुस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर हमारा पिक्चर ओपन, पिक्चर का हमारा एक ऑप्शन आएगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया था, ये पिक्चर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर और हमारे एक इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ से हम उसका एड्रेस डालेंगे। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द पिक्चर यू वांट टू ऐड इन द टेबल इज लोकेटेड और लेफ्ट साइड में आपका, लेफ्ट पेन में आपका एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी कोई पिक्चर रखी है, ठीक है, जो हमें इंसर्ट करवानी है एमएस वर्ड में या उस सेल में। सेलेक्ट द पिक्चर डेट यू वांट टू इंसर्ट, उस एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितनी भी फोटो या पिक्चर होंगे वो ओपन हो जाएंगी, उनमें से सेलेक्ट करेंगे हमें जो भी इंसर्ट करवाना है। क्लिक इंसर्ट और इंसर्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे जो आपको यहाँ पे रेड में शो किया गया है। द इमेज अपीयर इन द सेल और इमेज जो हमारी वो अपीयर हो जाएगी किसमें, सेल्स में, सेल के अंदर हमारी इमेज आ जाएगी, जैसे यहाँ पे इमेज वन के अंदर हमारी आई हुई है पिक्चर। इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, कॉलम एमएस वर्ड के अंदर हम कोई टेबल जो बनाई हमने उसके अंदर कोई रो या कॉलम हमें इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। एमएस वर्ड अलो यस टू ऐड ए न्यू कॉलम टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ ए सिलेक्टेड सेल और सेल और कॉलम। एमएस वर्ड के अंदर हम कोई नया कॉलम भी और न्यू रो भी डाल सकते हैं, ठीक है, कॉलम को हम लेफ्ट एंड राइट साइड डाल सकते हैं, ठीक है, और रो को हम टॉप या बॉटम में डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट द सेल और कॉलम, या तो कोई सी सेल को सिलेक्ट करेंगे या किसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक द लेआउट टैब और हम लेआउट टैब में जाएंगे, लास्ट ऑप्शन जो हमारी टैब्स के अंदर है और लेआउट टैब है उस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप क्लिक इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन, रो एंड कॉलम ग्रुप में जाकर इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और द इंसर्ट राइट ऑप्शन टू ऐड कॉलम ऑन द राइट, राइट साइड में हम इंसर्ट करनी है अगर हमें कॉलम, तो हम राइट इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, और लेफ्ट साइड में हमें इंसर्ट करना है कोई कॉलम तो हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे।
आफ्टर दैट ए न्यू कॉलम इज एडिड, और हमारा एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। अब हम इंसर्ट करते हैं रो को। रो को कैसे इंसर्ट करेंगे? रो को हम या तो अबो इंसर्ट कर सकते हैं या बिलो। सेलेक्ट ए सेल और रो, हम एक सेल या रो को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द लेआउट टैब और लेआउट टैब के ऊपर दोबारा से लेआउट टैब पे जाएंगे। आफ्टर दैट फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप क्लिक इंसर्ट अबो ऑप्शन। अगर हमें रो जो अबो डालनी है किसी भी रो से, तो हम अबो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबो पे। और अगर हमें उस रो को बिलो डालना है, उससे रो से जिसको हमने सेलेक्ट किया है उससे बिलो में डालना है, तो हम इंसर्ट बिलो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट ए न्यू रो इज एडिड, और एक नई रो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम को हम कैसे डिलीट करेंगे? एमएस वर्ड अलाउ अस टू डिलीट द रो एंड कॉलम एज वेल। तो फर्स्टली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसको डिलीट करना है। आफ्टर दैट क्लिक द लेआउट टैब और लेआउट टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारा रो एंड कॉलम ग्रुप में डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। रो एंड कॉलम ग्रुप जो हमारा, उसमें डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो डिलीट मेनू अपीयर, जैसे हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिलीट मेनू अपीयर होगा। जैसे हमने डिलीट टेबल किया था ऐसे ही हम क्लिक कर देंगे डिलीट कॉलम्स ऑप्शन पे। सेकंड जो ऑप्शन है हमारा डिलीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और द सेलेक्टेड कॉलम इज डिलीटेड, और हमारा जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आफ्टर दैट अब हम रो को डिलीट करेंगे। तो वर्ड अलो यस टू डिलीट द रो एंड कॉलम एज वेल, रो को भी डिलीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता हमें। कैसे? सेलेक्ट द रो टू बी डिलीटेड, जिस भी रो का हमें डिलीट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक द लेआउट टैब और लेआउट टैब पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा रो एंड कॉलम ग्रुप के अंदर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, सेम एज इट इज़ जो हमने कॉलम डिलीट किया था वैसे ही। बस लास्ट ऑप्शन में हमें डिलीट मेनू अपेयर जो होगा, डिलीट मेनू के अंदर हमें जो सेलेक्ट करना है वो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें डिलीट रो का, और हमारी रो जो हमने सेलेक्ट की है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब हम करते हैं स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल। सेल को स्प्लिट करना, एक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, और मर्ज दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना। न्यू रो एंड कॉलम आर एडिड व्हेन मोर डाटा नीडेड टू बी एंटर्ड। न्यू रो और कॉलम तो हम ऐड करते हैं जब हमें कोई डाटा एंटर करते हैं, बट सम टाइम ए मोर कॉम्प्लेक्स टेबल नीडेड टू बी क्रिएटेड। कई बार हमें कॉम्प्लेक्स टेबल चाहिए, ठीक है, यानी हमें ऊपर हमें एक कॉलम चाहिए, नीचे हमें उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो वर्ड प्रोवाइड्स फीचर लाइक मर्ज एंड स्प्लिट टू क्रिएट ए मोर कॉम्प्लेक्स टेबल। तो जो हमारा एमएस वर्ड है वो हमें मर्ज और स्प्लिट दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है टेबल्स के अंदर जो हम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमारा मर्जिंग सेल। सेल को मर्ज कैसे करते हैं? मर्ज इज ए फीचर डेट अलो यू टू मर्ज और ज्वाइन टू और मोर सेल टू कंबाइन देम इनटू वन। मर्ज हमारा क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना या कंबाइन कर देना, ज्वाइन कर देना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मर्जिंग ए सेल। दिस फीचर इज ऑफन यूज टू प्रोवाइड टाइटल्स ऑफ द मल्टीपल्स रो एंड कॉलम्स। ये फीचर हम यूज़ करते हैं, टाइटल्स डालते हैं जैसे, ठीक है, मल्टीपल्स रो और कॉलम के ऊपर, ठीक। दी सेल्स टू बी मर्ज नीड टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर, और सेल को मर्ज करते हैं हम एडजेसेंट सेल के साथ, ठीक है, एडजेसेंट सेल के साथ ही मर्ज कर सकते हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट सेल को फोर्थ के साथ मर्ज करें, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स इन ए रो और कॉलम। आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे किसी रो एंड कॉलम में, ठीक है। आफ्टर दैट सेलेक्ट द सेल टू बी मर्ज, जो भी सेल हमें मर्ज करनी है उनको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लिक द लेआउट टैब और लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट फ्रॉम द मर्ज ग्रुप क्लिक मर्ज सेल ऑप्शन। मर्ज ग्रुप पर जाकर हम मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड द सेलेक्टेड सेल्स विल बी मर्ज फॉर्मिंग वन सेल, और जो भी हमने सेल सेलेक्ट किए हैं वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी वन सेल के अंदर। स्प्लिटिंग सेल। दिस स्प्लिटिंग फीचर्स अलो यू टू स्प्लिट और ब्रेक सेल इनटू मल्टीपल स्मॉलर सेल। जो स्प्लिट ऑप्शन है हमारा
वो क्या करता है, एक से एक सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है और स्मॉलर सेल में, मल्टीपल स्मॉलर सेल में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है। यू कैन सेलेक्ट ए मल्टीपल सेल्स टू स्प्लिट, आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द सेल टू बी स्प्लिटेड, मान लो हमें सेमेस्टर वन वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको स्प्लिट करना है हमें, ठीक है। क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाएंगे, आफ्टर दैट फ्रॉम द मर्ज ग्रुप क्लिक स्प्लिट सेल, मर्ज ग्रुप के अंदर जाकर हम सेकंड ऑप्शन होगा मर्ज सेल से नेक्स्ट वाला जो स्प्लिट सेल है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, और हमारा स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ कॉलम में कितने में नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं हमने और नंबर ऑफ रोज कितने बनाने हैं। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और उसके अंदर हम एंटर कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड जितने हमें चाहिए और क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट द सिलेक्टेड सेल विल बी स्प्लिटेड एज स्पेसिफाइड, और जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया है वो उतने पार्ट्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेटिंग ए टेबल बॉर्डर, बॉर्डर्स क्या होता है, समटाइम ए सेल रो और कॉलम माइट नीडेड टू बी हाईलाइटेड, कई बार हमें कोई रो या कॉलम या सेल को हाईलाइट करना होता है। टू इनहेंस द अपीयरेंस ए वेराइटी ऑफ द बॉर्डर एंड शेडिंग स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड, और इसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के स्टाइल्स और यूज़ करते हैं और बॉर्डर यूज़ करते हैं ताकि किसको हाईलाइट करने के लिए हमारे सेल या रो या कॉलम को। सेलेक्ट ए सेल रो और कॉलम, हम रो या कॉलम या सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक द डिज़ाइन टैब और डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर जाकर हम बॉर्डर क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे, बॉर्डर की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। द ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, और हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें दे रखा बॉटम, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर एक्सेट्रा। क्लिक द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, नीचे हमारा लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, शेडो डाल रहे हैं हम बॉर्डर के साथ साथ। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन बॉक्स अपीयर्स, और हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द सेटिंग फॉर द बॉर्डर, और लेफ्ट पेन में हम नन बॉक्स ऑल ग्रिड कस्टम जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द मिडल पेन सेलेक्ट द स्टाइल कॉलम एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर, और जो स्टाइल के अंदर हम और कलर, ठीक है, और विड्थ कितना है उसकी, विड्थ कितनी ले हम जो भी बॉर्डर ले रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और थर्ड राइट पेन विल बी गिव ए प्रूव ऑफ हाउ द बॉर्डर विल अपियर, और राइट साइड में हमें आपका उसका व्यू दिखाई देगा कि वो आपका जैसे अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा डिस्प्ले होगा, और क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। द सेलेक्टेड बॉर्डर अपीयर्स, और आपका जो भी सिलेक्टेड बॉर्डर है वो अपीयर हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉर्मेटिंग ए टेबल सेटिंग, टेबल के ऊपर हम सेटिंग कैसे करते हैं। सेलेक्ट द सेल रो और कॉलम, सेलेक्ट करेंगे रो और कॉलम या सेल को किसी को भी, ठीक है। क्लिक द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट फ्रॉम द टैब स्टाइल ग्रुप, टैब स्टाइल ग्रुप में जाकर क्लिक द सेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट सेटिंग, अभी पहले हमने बॉर्डर पे क्लिक किया था, अब की बार हम किस पे करेंगे, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द कलर प्लेट अपीयर्स, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, और हमें जो भी कलर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट कलर इज फिल्ड इन, और कलर क्या हो जाएगा उसके अंदर फिलअप हो जाएगा। अब आपका फॉर्मेटिंग ए टेबल, टेबल की फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे हम। सम टाइम डाटा टू बी एंटर्ड इन ए रो और कॉलम माइट नीडेड मोर स्पेस, तो हमें कई बार कोई डाटा इंटर करते हैं तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, मोर स्पेस चाहिए उन्हें, ठीक है। वर्ड अलो यू टू चेंज द हाइट ऑफ रो एंड विड्थ ऑफ कॉलम टू फिट द कंटेंट्स, और कंटेंट्स को फिट करने के लिए
एमएस वर्ड हमें उसकी हाइट और उसकी विड्थ को चेंज करने की परमिशंस देता है या फैसिलिटी देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रो, जो भी रो हमें उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक द लेआउट टैब और लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम द सेल साइज, सेल साइज जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर क्लिक द एरो की इन द हाइट स्पिन बॉक्स टू गेट द रिक्वायर्ड हाइट। हाइट बॉक्स जो आ जाएगा हमारा, उसमें हाइट चेंज कर सकते हैं और विड्थ चेंज करनी है तो हम विड्थ चेंज कर सकते हैं। द रो हाइट चेंज एज रिक्वायर्ड, और जैसे हमने रो की हाइट इंक्रीज की तो हमारा जो ऑप्शन है, जो सेल है, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया था, उसकी हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। द हाइट चेंज एज रिक्वायर्ड, जितनी हमें चाहिए तो उतनी चेंज होगी। अब विड्थ चेंज करते हैं टेबल की। विड्थ चेंज करने के लिए सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कॉलम, जो भी कॉलम है हमें उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब में जाएंगे। फ्रॉम द सेल साइज ग्रुप क्लिक द एरो ऑफ द विड्थ स्पिन बॉक्स टू गेट द रिक्वायर्ड विड्थ। और जैसे हम हाइट चेंज कर रहे थे, उससे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका वो विड्थ का है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। द कॉलम विड्थ चेंजेस एज रिक्वायर्ड, और जो कॉलम है हमारा उसका चेंज हो जाएगा, उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। आफ्टर ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।